अब मैं दावत देना चाहता हूं जनाब सरूड़ी साहब को कि वो यहां पे आए और अपने ख्याल जो हैं हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन के सभी अहदेदारान बहनों आदाब अस्सलाम वालेकुम। मैंने इसलिए आपको उस्ताज़े कराम कहा कि जब हमारी सरकार थी तो नाम किसने क्या रखा, ईवी से शुरू हो गया, आरईटी बने, उसके बाद रेगुलर हो गए आप, 15-15 साल आपको ड्यूटी देते हुए आज हुए, तो आज इतने सालों के बाद आपको क्यों देखने को आए? आपको मालूम होगा कि जब यह स्कीम शुरू हुई थी तो उस वक्त यूपीए फर्स्ट डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे, एचआरडी मिनिस्ट्री अर्जुन सिंह जी थे, लागू जम्मू कश्मीर में हुई तो लागू होने के बाद आपको उन नॉर्म्स के तहत तैनात किया गया, उन गाइडलाइंस। बड़ा अफसोस है कि हमारे पढ़े लिखे नौजवान, हमारे कौम के मेहमान, आज तमाम उस्ताद आज जो है धरने पे बैठे हैं। हमें शर्मसार होना चाहिए। और मैं गवर्नर साहब, अगर फोर्थ क्लास का टीचर अगर कोई, फोर्थ क्लास का चपरासी अगर अगर कर्क एक मामूली कर्क लगा है कोई, कलर को या जूनियर असिस्टेंट लगा है, उसको सेवंथ पे कमीशन मिल रही है। और जो कौम के मेमार हैं, इस कौम को ऊपर उठाने के लिए, इसकी बच्चों की तकदीर को बदलने वाले जो हैं, इस मुल्क की बेहतरी को बनाने वाले हैं, डॉक्टर इकबाल के उस शेर को जिंदा करने वाले, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, गुलसिता तो उस्ताद है। तो आज ये धरने पे बैठे, आज सिक्स पे कमीशन के हकदार छोटे छोटे मुलाजिम और आज चपरासी तक, और आपके उस्ताज़े कराम, आपके रहबर तालीम टीचर जो है वो धरने पे बैठे सेवंथ पे कमीशन के लिए। इससे कबल अगर यही सरकारें थी, अगर यूपीए फर्स्ट, यूपीए सेकंड, एचआरडी मिनिस्ट्री, उन्होंने अगर सिक्स पे कमीशन आपको दिया, कानूनी तौर पे गवर्नर साहब आपकी एडमिनिस्ट्रेशन बांधी हुई है, क्योंकि आपने इनको एज पर नॉर्म्स 5 साल के बाद ईवी से आरईटी बनाए और 5 साल के बाद आरआरटी बना दिया, रिकॉग्नाइज कर दिया है। जिस रूल के तहत आपने सिक्स पे कमीशन दिया है, वो हिंदुस्तान का रूल, रियासत का रूल है, स्टेट का ये जी कानून है, उसी तहत आप सेवंथ पे कमीशन क्यों नहीं दे रहे? तो मेरा सवाल है आपके सामने, इस सवाल का जवाब दीजिए। मैं 3 सवाल आपके पास आज सामने रखता हूं, मुझे नहीं मालूम आपने रखे होंगे या नहीं रखे होंगे। एक तो अभी भी बहुत सारे ईवीज जिनको 10-10 साल हुए, उनको अभी आपने रेगुलराइज नहीं किया, उनका जवाब दीजिए, वजूहत क्या है? आज भी पिछले 4 साल से जो पैनल आपके पास, डायरेक्टर के पास पड़े हुए हैं, जिन स्कूलों की पोस्टें खाली हैं, जहां प्राइमरी स्कूल है, एक टीचर है, उनके भी पैनल डायरेक्टर के पास, कमिश्नर के पास पड़े हैं, उनके ऑर्डर क्यों नहीं होते हैं? हो गया दूसरा सवाल। तीसरा सवाल मेरा ये है, हमारे जो मास्टर या हेडमास्टर,
जो पोस्टें यहाँ पे हैं, जो सैलरी यहाँ से लेते हैं, उनकी सैलरी यहाँ से निकलती है और वो आज जम्मू की पैराफेरी में ड्यूटी देते हैं, इसकी वजूहत क्या है? चौथा सवाल मेरा है, अगर आपने सिक्स पे कमीशन नॉर्म्स रूल और गाइडलाइन के तहत दिया, गाइडलाइन ऑफ एचआरडी मिनिस्ट्री, गाइडलाइन ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके बाद आप सेवंथ पे कमीशन को इन पर लागू करने के लिए देरी क्यों है, वजूहत क्या है, आप कम से कम बता दो दीजिए ना, इसी मुल्क के रहने वाले आज धरने पे पूरी रियासत में बैठे, इनका प्रेसिडेंट रियासत का है, अरबर तालीम टीचर्स को नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी ने जहां फैसला किया है पूरी सपोर्ट करेंगे, हम भी इनके सामने अब सड़कों पे उतरेंगे, यह हमारे। इसके साथ एक और मामला है,